तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में छत्तीसगढ़ का सबसे भव्य माघी पूर्णिमा मेला आरंभ हो चुका है, जहां भगवान श्री राम और माता शबरी की महिमा को लेकर आर्या न्यूज के संवाददाता ने थाना प्रभारी से खास बातचीत की। साथ ही बढ़ते कोरोना महामारी को देखते हुए इस मेले की कानून व्यवस्था कैसी है और कैसे कराया जाएगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन, इसका भी ध्यान रखा गया है। साथ ही मेले में क्या कुछ नियम इनका पालन किया जाएगा, इसका भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इस वर्ष भी माघी पूर्णिमा का मेला छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में भव्य रूप से मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं कोरोना संकट काल में यहाँ किस प्रकार से मेला का आयोजन होना है, क्या है यहाँ की कानून व्यवस्था, किस प्रकार से यहाँ सिक्योरिटी के रूप में यहाँ के जो कानून है वो चारों तरफ तैनात किए हैं प्रबल, इस बारे में विशेष चर्चा करेंगे यहाँ के माननीय थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा सर जी से। आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ कानून व्यवस्था की गई है कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए। और सर बताएंगे धार्मिक नगरी शिवरीनारायण में भव्य मेला का आयोजन हो रहा है, जहां पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु उपस्थित रहेंगे, तो यहां किस प्रकार से उनकी सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कोरोना के संकट काल को दूर करने किस प्रकार से यहां पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं बताएंगे। यहां भगवान नारायण की नगरी में बहुत पुराने समय से, पुरातन समय से, जिसको अभी लोगों को याद भी नहीं है, तब से मेले का आयोजन है और यह एक धार्मिक मेला है, हिंदू तीर्थ स्थान है और काफ़ी श्रद्धा से लोग मनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा मेला है यहाँ का। इस विषय में हमारे विभाग से बहुत पहले से ड्यूटी लगाई जाती है, इसका विशेष गाइडलाइन है। इस साल तो कोविड को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसमें जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उनका सबसे पहले कोविड टेस्ट होगा और उन्हें मास्क लगाने की, सैनिटाइज करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा पुलिस की तरफ से करीबन 200 जवान रहेंगे, जिसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ड्यूटी निर्धारित की गई है, और होमगार्ड के बल करीबन 40 के आसपास आ रहे हैं और 150 करीब पुलिस बल हैं, जिसमें 7-8 TI हैं, 2 उप पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी मेले के प्रभारी हैं, श्रीमान रितेश चौधरी साहब DSP हैं और श्रीमती माधुरी मैडम DSP हैं, जो प्रभार में रहेंगे यहाँ मेले के और हम लोग उनके सहायक में रहेंगे। इसी तरह से घाट में कोई पानी में डूबे ना, इसलिए भी 2 बोट की व्यवस्था है, जिसमें तैराक दल भी रहेंगे, होमगार्ड के जवान हैं, करीब 10 की संख्या में, 12 की संख्या में वो 2 बोट लेके आ रहे हैं, यहाँ पे सतत निगाह रहेगी। घाट में बैरिकेड्स भी बनाए जाएंगे और पेट्रोलिंग है, अलग अलग हिसाब से सेक्टर वाइज पेट्रोलिंग है। यातायात व्यवस्था के लिए भी करीब 10-12 कर्मचारी आ रहे हैं। मार्ग परिवर्तन भी, बाईपास की व्यवस्था कराई जा रही है, जो आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, बाईपास भी चालू हो जाएगा। और इसी तरह से गश्त भी दिन में भी रात में भी बराबर रहेगी, पेट्रोलिंग पार्टियाँ रहेंगी और NDRF की टीम भी, SDRF की टीम भी हमारे पास रहेगी और ये दमकल वगैरह भी आके सभी यहाँ रखे जाएंगे, वो भी आ चुकी है, दमकल बस स्टैंड में रहेगी, वहाँ पे वहाँ से जहाँ कहीं भी व्यवस्था होगी भेजी जाएगी। और हमारे हिसाब से और हमारे विभाग के हिसाब से, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन है, आदेश है, खासकर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे SDOP मित्तल साहब के गाइडलाइन पर हमारी ड्यूटी यहाँ चलेगी। और इसमें सिविल में भी लोग रहेंगे, वर्दी में भी रहेंगे, दुकानदारों को सभी के बताया गया है। अभी मैं नगर पंचायत में तहसीलदार साहब के साथ मीटिंग लिया हूं, सभी दुकानदारों को ये बताया गया है कि आप सभी सैनिटाइज दुकान के सामने रखोगे, मास्क रखोगे, 100-200 मास्क आप सभी के दुकान में पड़ा रहना चाहिए। कोई भी ऐसा ग्राहक आता है जो मास्क नहीं लगाया है या सैनिटाइज नहीं रखा है, उसे आप फ्री में दोगे, एक सैनिटाइज हाथ में लगवाओगे और उसे मास्क दोगे, ऐसा करके विशेष व्यवस्था रखी गई है। और माननीय DM महोदय के आदेशानुसार नगर के प्रवेश द्वार में सभी जगह कोविड चेकिंग की टीम स्वास्थ्य विभाग की ओर से रहेगी, वहाँ पे हमारे पुलिस स्टाफ भी रहेंगे, जो बाहर से आने वाले खासकर उड़ीसा प्रांत से आने वाले लोगों की कोविड जांच जरूरी है वो की जाएगी। स्थानीय लोगों को भी मुनादी के माध्यम से, आप लोगों के समाचार के माध्यम से सभी को हिदायत दी गई है कि मास्क लगाएँ, सैनिटाइज करें एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस तरह से सभी को प्रचार प्रसार किया गया है और आशा है कि सभी
श्रद्धालु पूर्ण सुरक्षा के साथ मेले में आएंगे, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और भगवान का दर्शन लाभ लेंगे। वहीं सर, कोरोना मेला में चल रहे कोरोना गाइडलाइन का विशेष पालन अगर नहीं होता है, जैसे कि बाहर से आते हैं गाड़ी पर बिना मास्क के पाए जाने वाले अनियमित पाए जाने, इस पर क्या बड़ी कार्रवाई होगी आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा, बताएंगे? इस प्रतिबंधक कार्रवाई होगी और हम मेला से उन्हें वापस कर देंगे। पहली कार्रवाई तो यह है कि हम उसे घुसने ही नहीं देंगे ऐसे आदमियों को जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा, उसे मेला में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी लगे रहेंगे गेटों में और उन्हें सम्मानपूर्वक वापस कर देंगे, हम आपको प्रवेश नहीं देंगे। किसका? वहीं कोरोना मेला में प्रवेश करने के लिए क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ यहाँ श्रद्धालुओं को लाना होगा अपने साथ, अपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए और साथ ही साथ अपने आइडेंटिटी के लिए? अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आएंगे श्रद्धालु जो भी हैं, अपना आइडेंटिटी कार्ड लाएंगे। यदि कोविड टेस्ट उनका हो चुका है उसकी रिपोर्ट भी साथ में ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा हमें यहाँ पूरी चेक कराना पड़ेगा उनको और उसमें समय उनका बर्बाद होगा। वही सर, आपने कोविड टेस्ट की एक महत्वपूर्ण बात कही है, तो क्या क्षेत्रीय लोगों को भी कोविड टेस्ट कराना होगा या फिर जो जिले से बाहर से आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर आते हैं ऐसे श्रद्धालुओं का कोविड टेस्ट होना या फिर सभी का होना, इस बारे में थोड़ी सी विवेक प्रकाश डाले? नहीं, इसमें तो अधिक से अधिक लोगों का होना है, चाहे वो बाहर के हों या अंदर के हों, हमारे क्षेत्र के हों, स्थानीय लोग हों। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो कोविड टेस्ट करा चुके हैं और स्वस्थ हैं पूरी तरह से, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके आना है। और विशेषकर दूसरे राज्यों से आने वालों की तो बहुत ही बारीकी से जांच की जाएगी। ठीक, जिस प्रकार से माघी पूर्णिमा को मेले को देखते हुए, कोरोना काल के संकट काल को देखते हुए शिवरीनारायण पुलिस ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है और लगातार चारों तरफ शिवरीनारायण के प्रत्येक चारों द्वार पर पुलिस टीम तैनात की है। लगभग 200 टीम जवान यहाँ पर तैनात है मेले सुरक्षा के लिए। आर्य न्यूज़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिए आर्य न्यूज़।